हैम पहला चिंपैंजी था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। 31 जनवरी 1961 को हैम को अंतरिक्ष में भेजा गया। हैम को 18 महीने तक प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान उसको 65 के नाम से जाना जाता था। हैम को अंतरिक्ष में संघर्ष योग्य बनाने के लिए 18 महीने तक प्रशिक्षण दिया गया। आखिर 31 जनवरी 1961 को करीब 3.5 साल के बाद हैम के लिए वह लम्हा आ गया जिसका काफी समय से इंतजार था। करीब 16.5 मिनट के बाद हैम अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। उसने धरती से 157 मील की ऊंचाई पर उड़ान भरी, करीब 5,800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 6.5 मिनट तक उसने भारहीनता का अनुभव किया। अंतरिक्ष से हैम की वापसी काफी चुनौतीपूर्ण थी। उसका कैप्सूल अपने लक्ष्य से 130 मील दूर अटलांटिक महासागर में जा गिरा। घंटों बाद हैम को बचाने के लिए जहाज पहुंचा। हैरत की बात थी कि इतने देर बाद भी वह जिंदा और शांत था।